बस हो गया, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा जल्दी करो ना तामसी। जैसे जैसे हमारे मंत्रों की रफ्तार तेज होगी, इस हवन कुंड की लौ भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक अलौकिक रोशनी निकलेगी और उसका इस बच्ची पे पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रहे, मैं मंत्र बोलती हूँ और आप सब दोहराओ। आग के लपटे हवेली के बाहर क्यों है? इस सब पे ध्यान मत दो, ये सब थम जाएगा। बस एक बार ये पूजा पूरी हो जाए। ये बच्ची है, इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मेरा सब कुछ संभाल के करना। इसकी जान को बचाने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं विशाखा। बात को समझने की कोशिश करो। मैं मंत्र बोल रही हूँ, तुम सब आंखें बंद करके उसे दोहराओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा। मेरी बात थोड़ी देर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाखा उसे छोड़ना मत, मंत्र पे ध्यान दो। ये जल्दी से इसमें से लॉ निकलेगी विशाखा, हमें ये करना ही होगा। ये तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए। इससे दर्द तो थोड़ी देर तामसी। नहीं बेटा, थोड़ी देर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, यहाँ से मुझे मार देगा। माँ, ये बोला था कि मैं वो सुकुम की बेटी हूँ। माँ, ये मुझे आपकी तरफ याद नहीं करता। ये जब तक मैं मर जाऊँ तब भी तुम मुझे ये चला रहे हैं। करने के बाद तुम ठीक हो जाओगी तामसी। बस बस कुछ देर और, प्लीज प्लीज। माँ, मेरे हाथ पर कुछ दाग नहीं कर रहे। माँ, तुम ठीक हो? तामसी, तुम ठीक तो हो? विशाखा, ये क्या कर रही हो? इसकी हालत देखो, प्लीज उसको मत खोलो। बिना इसकी हालत देखो ये। तामसी, विशाखा ऐसा मत करो, समझने की कोशिश करो। कुछ इससे कुछ हो गया तो। तामसी, विक्रांत, इसकी हालत देखो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? देखो देखो, रोशनी आ रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विशाखा,
मेरी बच्ची कहाँ गई वो? तामसी, 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 तामसी। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आने में देर हो गई हो? मेरा मतलब है कि हमारे आने से पहले ही उस अघोरी ने पूजा फिनिश कर दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी इस हवेली के अंदर से, लोगों के चिल्लाने की आवाजें, चीजें गिरने की आवाजें। इसका मतलब ये है कि तब तक तामसी उनके काबू में नहीं आ पाई थी। लेकिन अब तो सब कुछ शांत है, तो फिर इसका मतलब ये कि तामसी अब इंसान बन गई होगी। इंसान नहीं, और भी बड़ी शैतान हो गई है वो, देखो चली आ रही है। विशाखा, विशाखा उठो।
माहिर। विक्रांत, माहिर। माहिर जी, माहिर जी। मेरा हाथ पकड़, आज उठी, संभल के। तामसी, तामसी बेटा, बेटा तुम्हें लगता है कि हवेली के अंदर वो लोग मर गए होंगे? देखो देखो, इन सबको ही तो इसने लाइन में लगाया है। ब्रूं, 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 ब्रूं। विश, विक्रांत, माहिर और राय। आई थिंक वो सब मर गए होंगे। हाँ संभल के, संभल के, इधर बैठ जाइए। विक्रांत ध्यान से बोला, आराम से। विक्रांत तुम भी वहां बैठ जा, बैठ जा, पैर में बहुत चोट आई। विक्रांत, माहिर जी, माहिर जी आप ठीक तो है ना? माहिर जी, हे भगवान, सब बर्बाद हो गया। माहिर जी आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माहिर, हमारी हवेली स्वयंभू है, ये खुद के घाव भर लेगी। लेकिन तामसी, मुझे तामसी की बहुत फिक्र हो रही है, उसे सुधारने का आखिरी मौका था, अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं बेटा, ये बेला को नहीं, इसे मत मारना, इसकी तो जरूरत है ना मुझे। तुम्हें नहीं सुमित्रा, मुझे तामसी को चाहिए। बेला, पर मुझे उसकी हेल्प भी चाहिए। बस मुझे वो चाहिए जो उसके पास अभी तक है। वो जिंदा रहेगी। हो ना हो, मुझे लगता है कि तामसी को मुझसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए होगा उसे तुमसे? वो तो हुकुम कांच है ना। हाँ, और अगर अगर उसे तुमसे कुछ चाहिए होता तो वो इस तरह तुम्हें अंदर मरता नहीं छोड़ती, हमें मरता नहीं छोड़ती। क्योंकि उसे पता था कि मैं बच जाऊंगी, हम सब बच जाएंगे। उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि हमें उसकी ताकत का अंदाजा हो सके, इसीलिए वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये सारा जाल उसने जानबूझ के बिछाया और उसने ये भी तय किया कि हम इस जाल से बच के निकल सके, हम सब जिंदा बाहर आए। उसे मुझसे ही कुछ चाहिए। नागमणी, मुझे नागमणी चाहिए। अच्छा, नागमणी तो हाँ, तुम्ही को मिलनी चाहिए नागमणी। हाँ, नागमणि चाहिए। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए तो मेरी पावर कंप्लीट हो जाएगी। पर तामसी, तुम तो वैसे इतनी पावरफुल हो, तुम्हारे पास दुनिया भर के पावर्स है, पर तुमको क्यों चाहिए? आई नो, पर मुझे वो पावर चाहिए जिसके बाद मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसके लिए मैंने नाग रानी को जिंदा रखा है।
नागमणि के लिए। उसे तुमसे नागमणि चाहिए, राइट? उसे नागमणि ही चाहिए, बल्कि उसे नहीं नागमणि तो हुकुम को भी चाहिए थी। तभी तो वो तुम्हारे जरिए तामसी को इस दुनिया में लाना चाहता था। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी बेटी सीधा नागमणि की हकदार बनेगी और नागरानी कहलाएगी, राइट? लेकिन हम उससे कामयाब नहीं होने देंगे। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है विशाखा, थैंक यू सो मच। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि नागमणि को भी बचाया है विशाखा। लेकिन विशाखा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि सच में हम तामसी को सुधारने के सारे मौके खो चुके हैं। और अब तो अघोरी बाबा भी नहीं रहे, तो उसे काबू में कौन लाएगा? हमने चाहे तामसी को सुधारने का मौका खो दिया हो, लेकिन मैं अपनी नागमणि नहीं खोने दूंगी। फिर चाहे वो तामसी हो, अंधका हो या हुकुम, मैं नागमणि को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी नागमणि की रक्षा करूंगी। हमें घर चलना होगा। वाह बेला, हम फिर से उसी घर में जाएंगे, उन सबके बीच। हाँ विशाखा, दुश्मनों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि दुश्मन क्या करने वाले हैं। उस घर में जाके उन लोगों के साथ रहना होगा ताकि हमें पता चले कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो चलें। चलो चलो भाई। आइए माहिर जी। चल भाई। अच्छा बेला, नहीं। हाँ ये लो तामसी। कुछ और चाहिए आपको? ये दो। हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। बस तुम लोग लगे रहो, मैं देखती हूँ। छुट्टे नहीं है, आगे जाओ। आगे ही निकलेंगे, तुम्हें मात देंगे। पता है मैंने ना एक कहावत सुनी थी, लेकिन आज तक मुझे उसका एग्जाम्पल नहीं मिला। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज चार चार एग्जाम्पल देख लिए उसके। लेकिन आज ना तुम लोग सच में भोले के भक्त लग रहे हो, भस्मधारी। चलो अच्छी बात, कम से कम तुम्हें भोलेनाथ और भस्म में कनेक्शन तो पता है। लेकिन एक बात और पता कर लो, जब भोलेनाथ ने अपने ऊपर भस्म रमाई थी ना, तो वो बहुत गुस्से में थे। और इससे पहले कि हमें गुस्सा आ जाए, शराफत से हमारा रास्ता छोड़ दो। मरते मरते बच गए हो तुम चोरों। लेकिन हम बच गए, और यही बात गौर करने वाली है तामसी कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। पर हम फेल नहीं होंगे, हम तुम्हारे अंदर की अच्छाई को कभी मरने नहीं देंगे।
ये क्या अच्छाई अच्छाई की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी इसी अच्छाई के चक्कर में तो तुम्हारा अघोरी मारा गया। अरे बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने रो, इसकी अच्छाई को खत्म करते करते इनके अच्छे अच्छे खत्म हो गए। लेकिन फिर भी इन लोगों को अक्कल नहीं आई। हाँ, ये लोग अभी तक उम्मीद रख रहे हैं ना? पागल है ये लोग। उम्मीद रखने वाले नहीं, उम्मीद छोड़ने वाले पागल होते हैं धामसी। पर ये बात तुम्हें अब नहीं, बड़े होने पे समझ आएगी। बच्चे समझते हो मुझे छोटी? अभी बताती हूँ। बच्ची समझने के भूल भी मत करना। मैं शैतान हूँ। और मेरी शैतानी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता। तक मैं तुम्हें बच्ची समझ के ही तुमसे बात कर रही थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर के शैतान को प्यार की जुबान समझ में नहीं आती। अच्छा, तो उसी की जुबान में समझाना उसको, डर क्यों रही हो? आओ लड़ो मुझसे। मेरे अंदर के शैतान को बाहर निकालना है ना? तो उससे लड़ो, हराओ उसे, बाहर निकालो। देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, अच्छाई में या बुराई में। ठीक, आज देख ही लेते हैं। मैंने आप सबको ये कहने के लिए बुलाया था, देयर इज अनदर वे, एक रास्ता है हमारे पास तामसी पर काबू पाने के लिए। एग्जैक्टली। सी, तामसी अभी 18 साल की नहीं हुई। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। फिर मुझे नहीं लगता उस पर काबू पाया जा सकता है। हमारे पास जो वक्त है वो अभी है, जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि अभी उसे हर रात अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एंड आई एम श्योर वो उस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। हम उसे उसी वक्त काबू में पा सकते हैं, बस हमें उस वक्त का पता लगाना है। मे बी
मैं भी जब तामसी सोती, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो सोती कब है? एक तो वो बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहते हैं, दैट रोहिणी एंड आलिक साया बन के रहते हैं उसके साथ। You're right. ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? Give me a minute, guys. पीला, तामसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया ना? Obviously, विशाखा, वो अंधकार, she is an evil. पर बच्ची है, उसे हमारी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे तुम बचपन में बहुत सुनती थी, बेला याद है? बचपन में कैसे नकचड़ी थी, 24 घंटे नाक बहती रहती थी, लेकिन तब भी नाक पर गुस्सा रहता था उसके। तुम हंस रही हो? एक सेकंड, ये देखो। माहिर जी, what are you doing? Please माहिर, तुम्हारे शादी के वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ये शादी की वीडियोस नहीं है, ये देखो बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, बेडरूम 4, ये सारे रूम्स के सीसीटीवी फुटेज है। माहिर जी, बेडरूम का भी प्लीज, दैट्स बैड। मतलब शादी के साथ हनीमून का भी? कौन सा? अरे बस करो यार, वो सब कुछ हैंडी में है ना, और वैसे भी हमारे घर में कुछ साल पहले चोरी हो गई थी, इसलिए सब इंस्टॉल किए गए थे। बाहर वाले का किसी का एक्सेस नहीं है, घर वाले ही देख सकते हैं बस। ये है बेडरूम 3, इसको देख के हमें ये पता चल सकता है कि तामसी कितने बजे सोती है, लेकिन हमें उसके लिए 24 आवर्स का वीडियो देखना पड़ेगा। 24 घंटे? यस, टर्न बाय टर्न। आई थिंक हमें शिफ्ट वाइज देखना चाहिए। ठीक है, 4-4 घंटे की शिफ्ट लगा के देख लेंगे। या तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर 4 आवर्स। परफेक्ट। तुम प्लीज रेस्ट कर लेना, एंड माहिर जब भी तुम्हारा टर्न आए ना तो उसे रेस्ट करने देना, तुम देख लेना। ओके? नॉट रियली, तब तक माहिर जी खुद नींद में होंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें मिस कर देंगे, प्लीज। अरे सब कुछ हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे ना, अभी उनका टर्न है, उन्हें करने दो। लेट्स गो गाइस, टेक केयर। ओके, जल्दी जल्दी आओ। थोड़ा फॉरवर्ड करें। तामसी डेफिनेटली बिगड़ी हुई तो है, लेकिन इन चुड़ैलों के लिए ना परफेक्ट। देखो कैसे सबको नचा रही है। और करें क्या? और सोचा कितनी नोटी है शैतान, सोने का नाम ही नहीं ले रही है। विशाखा सो गई, सो गई, सो गई, सो गई, सो गई। टाइम नोट करते हैं, क्या टाइम? ये तो खेल रही है अभी भी।
बेला बेला बाहर मत आना, I'm changing. Are you serious, my dear? सारा दिन मेरे सामने शर्टलेस घूमते हैं. It's fine. बेला तुम्हें मेरी कसम है, बाहर मत आना. अगर बोल रहा हो तो मान जाओ ना यार. जल्दी करिए. बाहर आओ. Okay. बेला कितनी देर लगा रही हो, जल्दी बाहर आओ ना. कब से वेट कर रहा हूं मैं? देर लगा रही हूं? हां मैं देर लगा रही हूं. और नहीं तो मैं तब से आपसे पूछ रही. बेला सॉरी, आई ट्रिप्ड. क्या हुआ, लाइट चली गई? नहीं, लाइट गई नहीं है. हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है. क्या? देख लो. रियली खोदा पहाड़ निकली चूहिया. चूहिया नहीं है, बीन है. और हमारा बेबी अभी इतना बड़ा हो गया होगा. इसमें देखो, थोड़े दिन में हमारा बेबी इतना बड़ा हो जाएगा. आप कहां से ये सब पढ़ाई कर रहे हैं? गूगल से. हर्ट भी खोलो. ये और उसके थोड़े और दिनों के बाद हमारा बेबी इतना बड़ा हो जाएगा. ओहो. लेकिन तब तक मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी ना. हाँ, पर कद्दू लाना तो मैं भूल ही गया. अरे अरे क्यूट लगोगी ना मोटी होके. अरे तो क्या हो गया, मोटी होके भी तुम क्यूट लगोगी. तुम कितना ग्लो करोगी पता है, लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा महेश जी. हाँ जी. एक बार मैं मोटी हो गई ना, आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं. तुम्हें देखने के बाद इन आंखों को अब और कुछ अच्छा नहीं लगेगा. ये आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखती रहेंगी. अब देखेंगी नहीं, ताड़ेंगी. वो भी बिना पलक झपकाए. देखते हैं. देख लेना. वैसे आज इतना सब कुछ क्यों? बेला एक्चुअली ना, घर में इतना सब कुछ हो रहा था इतने दिनों से, तो मैं अपने बेबी के आने की खुशी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाया. तुम्हें खुशी नहीं कर पाया, कोई सरप्राइज नहीं दे पाया. I'm sorry. लेकिन मैंने आज सोचा कि आज कुछ भी हो जाए तो मैं कितनी भी देर बाथरूम में बंद करना पड़ेगा. आज तो सेलिब्रेट जरूर करूंगा. अब क्या हुआ?
माहिर जी, आप मुझे आज कितने गिफ्ट देने वाले हैं? What are you doing? देखो तो सही, मेरा ये गिफ्ट उस गिफ्ट के आगे कुछ नहीं जो तुम मुझे देने वाली हो। But still, माहिर जी, कितनी खूबसूरत लग रही है, वो भी देखो। कितनी खूबसूरत लग रही है, वो भी देखो। ये हमारे बेबी के लिए बहुत क्यूट है। तुम्हारी आंख में ये फूल छोटा सा, ये भी बहुत प्रिटी है। अब सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम, अगली शिफ्ट भी हम ही देख लेते हैं। डोंट मिस किली, प्लीज आ जाओ। आओ आओ। वैसे दिस सो क्यूट। वैसे बेला, ये तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ा नहीं है? Anyway, कुछ पता चला? कहाँ कुछ पता चला, वो कमबख्त बच्ची सोती नहीं, शैतान की बच्ची तो ठहरी। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है, हम देख लेंगे, शायद कुछ पता चल जाए। वो सब तो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी, मैं कुछ खा के नहीं, 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 I'm sorry, ये बच्चा है ना, तो इसके समझ कुछ आता ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ, चलो तुम, you guys enjoy romance, ठीक है? लेकिन उसे खाने में दिक्कत क्या है? चलो। वो हार्ड डिस्क। हाँ। थोड़ा बहुत वीडियो देख लेना, रोमांस बाद में। हाँ चलो। अरे लेकिन वो खाने को तो दिक्कत क्या है? I'm sorry बेला, मैं एक प्रॉपर पार्टी नहीं थ्रो कर पाया। जी, जो आपने आज किया है ना, उसके बाद किसी भी और चीज की जरूरत नहीं। ना मुझे कुछ और चाहिए और ना हमारे बेबी को। हमारी पार्टी हो गई, दुनिया की सबसे क्यूट पार्टी। तुम ऐसा करो, सो जाओ, नींद आ रही है तुम्हें। It's fine. यार ये बच्ची सारी रात सोती नहीं है, तब से देख रहा हूं। Exactly. कितना इरिटेटिंग है, दिन हो गया लेकिन अब तक ये बच्ची सोई नहीं है। अरे वंडा, कहां से लाती है इतनी एनर्जी? एक सेकंड, एक पॉज करना, पीछे करना। हाँ, यहां से नॉर्मल चलाना। वेट, होल्ड ऑन एक सेकंड। हाँ प्लीज जल्दी आओ, मुझे कुछ मिला है, जल्दी आओ। ये देखना, नोटिस किया? हाँ, लेकिन ये दूध भी तो हो सकता है। नहीं, हर रोज सनसेट से पहले एग्जैक्ट सेम टाइम पे तामसी को ये पिलाया जाता है और तामसी बिना किटकिट किए एक घूंट में ये पी जाती है। नोटिस किया तुमने? It has to be something else. कोई लिक्विड है, कोई हर्बल लिक्विड, I'm sure जिससे तामसी को ताकत मिलती है।